गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आपको कहा था कि हम इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिया ने 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया, तो उस समय इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी, यानी ब्रिटिशर्स हमारी झोली में क्या डालकर गए थे, क्या छोड़कर डालते नहीं ये गाँव छोड़कर क्या गए थे, क्योंकि सब कुछ वो लूट ले गए थे, तो क्या उन्होंने हमारे पास छोड़ा था, वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, ब्रिटिशर्स के दो बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे क्या, सबसे पहला दे वांट टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी एज ए रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। क्यों भाई, वो चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इकोनॉमी बने, मतलब वो चाहते थे कि इंडिया से केवल रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो और वो प्रोडक्शन होकर ब्रिटिश को सप्लाई हो जाए, पहला। दूसरा, दे वांट टू डेवलप इंडियन मार्केट फॉर द कंजम्पशन ऑफ रेडीमेड प्रोडक्ट विच वाज प्रोड्यूस और विच इज प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इकोनॉमी। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी में जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए मार्केट डेवलप हो इंडियन इकोनॉमी में, ताकि इंडियन कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके। वो दो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं। अब उनके बेस पर हम सब चीजें समझेंगे। ब्रिटेन के लोग, तो अब हमें समझना है कि जब इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हुई तो उस समय एग्रीकल्चर की पोजीशन क्या थी। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारे देश तो वैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहती है, तो इन बातों को समझने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। जैसे लॉ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत ही कम था, यूं समझिए कि लगभग ना के बराबर प्रोडक्शन था। आज के हिसाब से हम समझेंगे तो ये बहुत ही ना के बराबर प्रोडक्शन था, क्योंकि आज उतने ही स्क्वायर हेक्टर एरिया में उसे 6 to 7 मल्टीपल ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यूं समझिए कि अगर उस समय 1 क्विंटल का प्रोडक्शन होता था तो आज 6 to 7 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है वीट और राइस का। इतना मल्टीपल डिफरेंस आज है, तो आप समझिए कि ये तो आज हम ले रहे, अभी भी हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है, तो उस समय क्या हालात होंगे। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, 550 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, 660 किलोग्राम राइस का प्रोडक्शन हो रहा था। आज के संदर्भ में चलेंगे तो मोर देन 3000 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, मोर देन 3500 राइस का प्रोडक्शन यहां पर किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन यहां पर आज हो रहा है। तो इससे हम समझेंगे कि जब 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया तो उस समय हमारा प्रोडक्शन बहुत ही लो लेवल पर था, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, पर हेक्टेयर एरिया प्रोडक्शन बहुत कम था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है नॉट श्योरिटी कि प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, नो श्योरिटी। भाई क्यों नहीं श्योरिटी, भाई हमने क्रॉप लगाई तो प्रोडक्शन होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड ऑन रेनफॉल, ये रेनफॉल पर डिपेंड करता है। इरिगेशन फैसिलिटीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नियर अबाउट 16 to 17% जस्ट ऑल कल्टिवेटेड एरिया, कि जितने भी देश में हमारा कल्टिवेटेड एरिया है, क्रॉप एरिया रहा 1947 में, केवल 16 to 17% एरिया पर ही इरिगेशन फैसिलिटी थी, वो भी नेचुरल थी, मैनमेड लगभग नहीं थी। जैसे नदी के आसपास का एरिया, तालाब के द्वारा, कुएं के द्वारा सप्लाई, इस प्रकार से सप्लाई जो है, वाटर की सप्लाई जो है एग्रीकल्चर क्रॉप को होती थी। इसलिए हम कहते हैं कि उस समय हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो कैसा था, अनसर्टेन, कि रेनफॉल हुई तो क्रॉप हो जाएगी, रेनफॉल नहीं होगी तो क्रॉप भी नहीं होगी। ये इस समय की हमारी खास बातें थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो चलो भारतीय किसान, चलो ठीक है, कम प्रोडक्शन हो रहा था, रेनफॉल पर डिपेंड कर रहा था, तो और क्या खास बात थी। और उसके बाद एक बड़ी खास बात थी कि हमारा किसान प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, अपना जीवन जीने के लिए प्रोडक्शन कर रहा। भाई मेरे को रोटी खानी है,
शाम को रोटी खानी है, मेरे को कपड़ा पहनना है, मेरे को घर की जरूरतें पूरी करनी है, केवल उन बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के पर्पज से भारतीय किसान यानी इंडियन फार्मर जो है वो क्रॉप सेट कर रहा था। उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी जीवन निर्वाह खेती, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती करना, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि जो प्रॉफिट कमाने के लिए क्रॉप की जाती है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप। क्या बोलते हैं उसको? कॉमर्शियल क्रॉप। ध्यान रखिएगा, गैप बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ द सोल। अब देखिए, जो जमीन है, जो खेत है, जो कल्टीवेटेड एरिया है, उसका ओनर कोई और है, टिलर जो एक्चुअल उसमें खेती कर रहा है वो कोई और है, और देखिए सबसे बड़े मजे की बात, उनके बीच में कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। मतलब एक थर्ड पर्सन ही ओनर और टिलर के बीच में जो है कनेक्शन करवा रहा है, और कनेक्शन करवाने के बदले में एक बड़ी अमाउंट वो रेंट के रूप में वो चार्ज कर रहा है, कमीशन के रूप में चार्ज कर रहा है। इससे ओनर को भी नुकसान हुआ और टिलर को भी नुकसान हुआ। मेहनत कर रहा है टिलर, लेकिन उसके पास बहुत कम अनाज, बहुत कम ग्रेन आफ्टर क्रॉप उसके झोली में जा रहा था। क्यों जा रहा था? बिकॉज द गैप, बिग गैप बिटवीन द ओनर एंड टिलर ऑफ द सोल। स्मॉल होल्डिंग, छोटे छोटे खेत, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, बिखरे हुए खेत। ये तो खैर हम इसके लिए हम ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, हमारे राइट ऐसे हैं कि घर में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी का प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट, और उसी की वजह से प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है इक्वल पार्ट में। कैसे डिवाइड हो जाती है समझिए, ये खेत है और उस किसान के चार बेटे हुए, तो ये खेत चार हिस्सों में बट गया। अब उन बेटों के भी चार चार बेटे हो गए, तो देखिए इस प्रकार से ये टुकड़े हो गए। सपोज कीजिए उनके भी चार चार हो गए, तो ये देखिए जो खेत है वो कितने छोटे छोटे हिस्सों में बटता। मैंने तो सिर्फ तीन पीढ़ी का जिक्र किया आपके साथ कि तीन पीढ़ी में जो खेत इतना बड़ा था वो इस तरह से बिखर गया, छोटे छोटे टुकड़े बिखर गया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट सिस्टम है एग्रीकल्चर क्रॉप था, स्मॉल होल्डिंग, छोटे छोटे खेत, क्योंकि वो बढ़ते चले गए। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, एक खेत मेरा यहाँ है टुकड़ा, एक खेत मेरा टुकड़ा कहीं और है, एक टुकड़ा कहीं और है, तो मैं उसकी कैसे सेफ्टी करूं, कैसे उनमें खेती करूं। ये हमारे देश की एग्रीकल्चर सिस्टम की बड़ी समस्या थी जब देश आजाद हुआ। इसलिए जब देश आजाद हुआ उसके बाद कई सारे लैंड रिफॉर्म सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किए, जिसका बड़ा फायदा भी किसानों को हुआ है, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, क्योंकि अभी हमने कहा कि ओनर कोई और है, टिलर कोई और है, तो जब टिलर कोई और है तो उस पर जब ओनर अपनी जमीन टिलर को देगा खेती करने के लिए, आज जिसको हम कहते हैं बटाई पर देना, काश्तकारी इसको बोलते हैं, तो कोई रिवेन्यू सेट होगा ना कि भाई मैं अपनी जमीन आपको दूंगा तो उसके बदले में आप मेरे को कुछ देंगे रिवेन्यू, तो रिवेन्यू कितना होना चाहिए, इस रिवेन्यू का कोई क्राइटेरिया उस समय नहीं था। बार्गेनिंग जबरदस्त होती थी, टिलर लो बार्गेनिंग वाला, ओनर हाई बार्गेनिंग, क्योंकि उसके पास जमीन जायदाद काफी बड़ी मात्रा में है तो उसकी तो उसको परवाह नहीं, लेकिन किसान जो छोटा था जो खेती कर रहा था उसको बड़ी परवाह थी कि भाई मेरे को खेत मिल जाए, मेरे बच्चों का जीवन यापन हो जाए, तो इसलिए वो बड़ी अमाउंट रेंट की उस खेत को जोतने के लिए, उस खेत में खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप लगाने के लिए अपने ओनर को पे कर रहा था। That was land revenue system. तो मैं थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट करूंगा कि कौन कौन से लैंड रिवेन्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश थे। तो सबसे जो मेन जो सिस्टम वर्किंग में रहा वो था जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, और भी थे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ये तीन प्रकार के सिस्टम लैंड रिवेन्यू के अंग्रेजों के टाइम में रहे, जिसमें सबसे फेमस रहा जमींदारी प्रथा। हालांकि 1950 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अंग्रेजों के समय भी सिस्टम था कि अंग्रेज क्या करते थे, क्योंकि रियासत बड़ी थी, इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल था
गांव गांव जाकर रेंट कलेक्ट करना, इसलिए वो क्या करते थे कि गांव के एक प्रमुख व्यक्ति को पूरा गांव की होल्डिंग उसको देते थे कि भाई ये गांव तुम्हारा, बदले में आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, बदले में हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। अब वो व्यक्ति उस गांव से लगान वसूल करेगा, वो उस व्यक्ति ऊपर छोड़ दिया। तो नेचुरल सी बात है, मैंने अगर अंग्रेजों को 1 लाख रुपए दिया है तो मैं 1 लाख से ज्यादा ही वसूल करूंगा गांव से, तो इससे डबल जो है चार्ज एक्चुअल में जो किसान थे उनको देना पड़ रहा था अपने ओनर को। तो ये एक बड़ा बुरा सिस्टम था, ये समझिए कि बड़ा खतरनाक सिस्टम था। और इस सिस्टम को समझना है तो देखिए, एक बहुत बढ़िया हिंदी फिल्म, दो हिंदी फिल्म मेरी नॉलेज में है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए इस सिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं। हालांकि आप लोग बच्चे लोग हैं, इस तरह की फिल्में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बताऊंगा, मदर इंडिया, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है मदर इंडिया। उसको आप देखिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको दिखेगा, गांव की क्या बदहाली होती है उसमें आपको दिखेगा, किसान किस तरह गरीबी में अपना जीवन जीता है, किस तरह मजबूरी में अपना जीवन जीता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट अगर फिल्म देखनी है तो आमिर खान की लगान फिल्म देखिए, उससे भी आपको काफी कुछ देखने को समझने को मिल है। फोर्स कमर्शियलाइजेशन, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, इसलिए उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उनको कुछ विशेष प्रकार की क्रॉप की रिक्वायरमेंट थी, जैसे इंडिगो, इंडिगो की खेती उनको चाहिए थी, इंडिगो चाहिए था उनको ताकि कपड़ों को कलर किया जा सके। तो उसने इन्होंने इंडियन फार्मर को बाय फोर्स इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया, इसको कहते फोर्स कमर्शियलाइजेशन, चाहे वो फोर्स किया गया। लेकिन भारतीय किसानों को धीरे धीरे सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करने के लिए उन्होंने फोर्स किया। हम फोर्स करना इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेज जानबूझकर जबरदस्ती किया, तो इस चीज को फोर्स कमर्शियलाइजेशन बोलेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ पिक्चर आपको दिखाई है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो एक बार समराइज कर देते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, लॉ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वाज वेरी लो एंड पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। High degree of uncertainty because agriculture was based on rainfall. No irrigation facility developed by Britishers at their time. Subsistence farming means the Indian farmer produced crop only for their living, not for profit. Gap between owner and tiller of the soil. Who is cultivating on the land? Who is the owner of the land? Both are different. And there is a big gap between the owner and tiller of the soil. Small holding, according to example, small holding, chote chote khet, fragmented holding means the spread cultivated area. Mera ek khet yahan par, ek khet kahin aur hai. Land revenue system at the time of British ruling, Jamindari Pratha was famous. And some other also, Mahalwadi, Rayatwadi. These systems were developed by the Britishers to collect rent from the Indian farmer for the cultivation of the land. Forced commercialization. For the British Revolution, Industrial Revolution, they want some crop from India like indigo. So they forced the Indian farmer to produce indigo. That is forced commercialization. तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समराइज करके 2-3 लाइन में इनको एक्सप्लेन करके आप नोट कीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट वाज द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यू विल एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स। इज इट क्लियर? तो देखिए, रेगुलर एक टॉपिक आपके सामने आएगा। आज हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, कल हम डिस्कस करेंगे इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल को, फिर हम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉमन डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझिए 4 दिन का लेसन है, 4 दिन में ये लेसन आपका कंप्लीट होगा, लेकिन 4 दिन के लिए 4 वीडियो होंगी और 4 वीडियो आप वीडियो से आप बने रहिए ताकि आपको टॉपिक पूरा मिल जाए और टॉपिक आपका मिस नहीं हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।